नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं अरुण कुमार एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूँ। रात को 8 बज गए हैं और आपको पता है कि रात 8 बजे मैं अरुण कुमार मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेके आता हूँ। और जो आपका सिलेबस है, आपको पता है मैं लगातार कई बार बता चुका हूँ कि ये जो सिलेबस है 10 यूनिट का, उसमें यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5 का जो संबंध है MPGK से, है ना। तो 8 बज गए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रेडी होंगे। अब अपनी क्लास रेगुलर चलेगी रात 8 बजे से MPGK, और दूसरी क्लास भी हम लोग जल्द ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और बहुत जल्द आपके समक्ष कोई दूसरी क्लास हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह की कुछ भी लेके उपस्थित होंगे। अभी हम लोग MPGK पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। MPGK चल रहा है, आपको पता है कि MPGK में अभी तक हम लोगों ने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो है उसको कवर कर लिया है काफ़ी अच्छे से। जिन्होंने नहीं किया अभी क्लास, ज्योग्राफी वाला सेक्शन नहीं किया है, वो यूट्यूब पे भी पीएससी अड्डा सर्च करके वहाँ पे जो है जो ज्योग्राफी वाले पोर्शन है MP के, आपको वीडियो मिल जाएंगे अरुण कुमार के नाम से, आप उसे देख लीजिए। इसके अलावा हम लोगों ने इकोनॉमी वाला पूरा का पूरा सेक्शन कर लिया है, और पॉलिटी का सेक्शन जो है वो अब काफ़ी कुछ हो गया है, अभी चल रहा है। और आपको पता है कि हम लोग मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं नगरीय निकाय वाला पोर्शन हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया, और कल हम लोगों ने पंचायती राज केवल पढ़ा था, ग्रामीण वाला प्रशासन जो है ये केवल पढ़ा था। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो नगरीय क्षेत्र वाला स्थानीय स्वशासन के अंदर, जिसको हम नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम कहते हैं, इस सेगमेंट को देखेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। तो पहले तो ये है कि जितने लोग चैनल से जुड़ गए हैं फटाफट चैनल की लिंक शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो भी आपके बीच में जानने पहचानने वाले हों, पढ़ने वाले हों, MPPSC प्री के लिए हों या MPPSC मेंस के लिए हों, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा चाहे वो MPSI की तैयारी कर रहे हों, MP पटवारी कर रहे हों या कांस्टेबल, कोई भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि पटवारी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, कांस्टेबल का भी जो एक्साइज वाला है वो नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसमें पोस्ट भी बढ़ गई, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि अगर MP के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो MPGS तो काफ़ी कुछ आ जाता है, क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं MPGS के नाम पे। तो उन सब के लिए फ़ायदेमंद रहेगी ये चीज़। तो फटाफट ये है कि चैनल से जितने लोग जुड़ गए हैं वो चैनल लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, फटाफट ये काम कर लीजिए, उसके बाद हम जो है अपना टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। और नगरी क्षेत्र वाला जो स्थानीय स्वशासन के तहत है उसको हम आज देखेंगे अच्छे से, फटाफट ये काम कर लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। फटाफट शेयर कीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं लिंक क्लास को।
चलिए शुरू करते हैं टॉपिक और बढ़ते हैं हम नगरीय क्षेत्र वाला प्रशासन जो है उसको हम शुरू करेंगे, है ना। हम लोगों ने कल 74th अमेंडमेंट है इसी के तहत, आपको पता है कि 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसी के तहत 1992 में अनुच्छेद 243 P से लेकर 243 Z तक जो है नगरीय स्वशासन की बात की गई थी, और भाग 9 है जो नगरीय स्वशासन से संबंधित है। इसमें 18 विषय हैं नगरीय क्षेत्र को दिए गए हैं और त्रिस्तरीय व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू है, ये बात हम लोगों ने कल बताई थी और आज फिर से हम बता रहे हैं। पृष्ठभूमि हम कल बता चुके हैं, इसके विषय में हम ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे। पंचायती राज अधिनियम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब नगरीय स्वशासन से संबंधित क्या डेवलपमेंट हुआ है एमपी में उसको थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद जो है पूरा का पूरा अपन समझेंगे। पहली बात तो ये है कि आपको समझना है कि जो मध्य प्रदेश में पहली नगर पालिका थी वो 1864 में बनी थी, कहाँ पे, जबलपुर में। ये बात बहुत अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको अपने दिमाग पे रखना है, ठीक है। क्योंकि ये सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, वो पहली बार की बात है कि नगर पालिका मध्य प्रदेश में पहली बार बनी है 1864 में। इसका मतलब है कि जब हमारे देश में ब्रिटिश सत्ता थी तब जबलपुर में जो है नगरीय स्वशासन से संबंधित जो नगर पालिका थे उसका निर्माण कर लिया गया है ना। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। इसके अलावा मध्य भारत में, पूरा पूरा मध्य भारत, हमने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जब पढ़ाया था तो आपको पता होगा, मध्य भारत में सर्वप्रथम, ध्यान रखना, मध्य भारत समझ गए ना कहाँ पे है, मध्य भारत मध्य प्रदेश के ऊपरी वाले हिस्से पे है ना, यहाँ वाला, ये पूरा मध्य भारत होता। तो मध्य भारत में जो सर्वप्रथम नगर पालिका स्थापित की गई है वो इंदौर में एवं विंध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक दतिया जगह है वहां पे नगर पालिका बनाई गई थी, ठीक है। तो मध्य भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका इंदौर में और विंध्य प्रदेश में दतिया में, ठीक है। अब देख लेते हैं 74th संविधान संशोधन का संबंध, मैंने बोला था नगरीय स्वशासन से, है ना। 73rd का किससे है, 73rd का है पंचायती राज से, यानी कि अगर हम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की बात करें तो उसका संबंध जो है वो किससे है, स्थानीय प्रशासन से है, यानी ग्राम पंचायत से है। लेकिन यहाँ पे 74 जो अमेंडमेंट हुआ उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया नगरीय स्वशासन को, ठीक है। केंद्र सरकार के इस अधिनियम के अधीन, ध्यान रखना, ये केंद्र सरकार ने पारित किया, तो मैंने बताया था 74th अमेंडमेंट जो है इसमें भाग 9A जोड़ा गया और ये केंद्र सरकार यानी कि संसद द्वारा पारित किया गया था, है ना। तो इस अधिनियम के अधीन मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम 1993 बनाया गया। क्या बनाया गया, 1992 का एक्ट था 74th अमेंडमेंट, है ना, जब वहां पारित हो गया तो यहाँ पे अधिनियम बनाया गया कब का, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1993, जिसे मध्य प्रदेश में 1994 में लागू कर दिया, ठीक है। कब लागू कर दिया, मध्य प्रदेश में 1994 में, क्लियर है ये बात, याद रहेगा यहां कोई डाउट। चलिए इसके अलावा मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हुई, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, त्रिस्तरीय से आप समझ गए होंगे। त्रिस्तरीय का मतलब है कि नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम, ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम, ठीक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू है, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को। अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है भारत के संविधान में किस आर्टिकल में है, आपको फटाफट आंसर करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
फटाफट आंसर कीजिए। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग जो है वो किस आर्टिकल में है उल्लेख उसका? चलिए आप लोग तब तक आंसर कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं और चीजें देख लेते हैं। चलो, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, मैंने पहले बता दिया कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। सबसे पहले देखते हैं कि नगर पंचायत क्या है ना, नगर पंचायत क्या है, उसके संबंध में क्या बातें की गई हैं। चलो, सबसे पहली बात कि जो ग्राम पंचायत से नगर की तरफ, मतलब अभी जहाँ पे कह दें हम कि ग्राम पंचायत थी यानी कि छोटा सा गांव था, वो धीरे धीरे उसका जो विकास हुआ वो शहरी क्षेत्र, शहरीकरण हो गया मान लीजिए, है ना, शहर की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे जो संक्रमित क्षेत्र हैं, मतलब कि पूरी तरीके से ना तो वो शहर हैं और ना ही अब वो गांव रह गए हैं, तो ऐसी जगहों को नगर पंचायत बना दिया जाता है। क्लियर है? मतलब कि एक प्रकार से शहर नहीं है, इंदौर नहीं है, लेकिन एक प्रकार से छोटा सा गांव भी नहीं है, बीच का है, कस्बा है, और कस्बा को हम एक प्रकार से कह देंगे कि ये नगर पंचायत, इसको नोटिफाइड कर दिया जाता है। क्लियर है बात? नगर पंचायत समझ में आ जाएगा। चलिए, अब जैसे हमने बोला बताया था कि ग्राम पंचायत में वार्ड होते हैं, है ना, वार्ड होते हैं, और वार्ड के प्रमुख होते हैं कौन? पंच। कौन होते हैं? पंच। कल बात ये हमने बताई थी आपको, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात याद होगी, है ना। तो उसी प्रकार से नगर पंचायत में भी वार्ड होते हैं, वार्ड की संख्या कितनी है? 15 से 40 तक। ग्राम पंचायतों में 10 से 20 थी, मैंने बोला था 10 से 20 वार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 15 मिनिमम होंगे और 40 जो है मैक्सिमम होंगे। इतने वार्ड बना दिए जाते, क्या बनाए जाएंगे? वार्ड बना दिए जाएंगे, डिवाइड कर दिया जाएगा पूरे शहर को या नगर पंचायत को। और यहाँ के जो प्रमुख होते हैं ना, वो होते हैं कौन? पार्षद। पता होगा आपको, पार्षद जो होते हैं वार्डों के प्रमुख होते हैं, और इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होता मतलब कि जनता इनको चुनती है, पार्षदों को। अगर आप लोगों ने वोट किया होगा कभी तो आपको पता होगा, अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि जो पार्षद है उनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, हम लोग ही उनको अपना वोट कास्ट करके चुनते हैं। ठीक है, तो पार्षदों का चुनाव कैसे होगा? अगर आपसे पूछा जाता है तो प्रत्यक्ष चुनाव होगा। जो उनके अध्यक्ष होते हैं यानी कि नगर पंचायत के अध्यक्ष, उनका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होता है। इसे आप बहुत अच्छे से, पहले प्रत्यक्ष होता था लेकिन कमलनाथ सरकार आई थी जब 2018 में, इसको अप्रत्यक्ष कर गई, है ना। तो जितने भी अध्यक्ष होते हैं अब तीनों के, उसको प्रत्यक्ष कर गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब शिवराज सिंह सरकार बनी, उसके बाद जब अभी इलेक्शन हुआ था आपको पता है 5-6 महीना पहले नगरी निकायों का, तो वहां पे फिर से चेंज हुआ और जो नगर निगम है वहां के अध्यक्ष डायरेक्ट हो गए। इसके अलावा अभी भी सारे के सारे जो अध्यक्ष हैं दोनों के, अन्यों के, नगर पालिका, नगर परिषद के या नगर पंचायत के, इनके अध्यक्ष अब अप्रत्यक्ष चुनाव चुने जाते, अप्रत्यक्ष द्वारा चुने। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि इनको अब जनता सीधे नहीं चुनती है, ये जो पार्षद होते हैं जिस पार्टी के सपोर्ट में सबसे ज्यादा होंगे, जिस भी पार्टी के सपोर्ट में सबसे ज्यादा होंगे उसी पार्टी का एक व्यक्ति क्या बन जाता है? अध्यक्ष बन जाता है। जैसे मान लीजिए 15 टोटल पार्षद बनाए गए हैं किसी, कहां पे, किसी भी मान लीजिए नगर पंचायत में, तो अब 50% + 1 का कॉन्सेप्ट है, यानी कि 8 पार्षद जिसके पक्ष में होंगे वो जो है अध्यक्ष, उस पार्टी का एक व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, है ना। तो जो पार्षद होंगे ना जिसके पक्ष में ज्यादा रहेंगे,
यानी कि वो बहुमत का आंकड़ा जिनके पक्ष में रहेगा वही व्यक्ति जो है अध्यक्ष बनेगा, है ना। तो अध्यक्ष का चुनाव नगर पंचायत में याद रखना है अब अप्रत्यक्ष है, पहले ये प्रत्यक्ष हुआ करता था। महिलाओं को इसमें 50% आरक्षण, इसका मतलब सिंपल सा है, अगर 15 वार्ड है तो उसमें 50% जो है महिलाओं के लिए है ना, याद रहेगा। चलिए, सबके कार्यकाल 5 वर्ष के, चाहे अध्यक्ष हो या पार्षद को, कुल मिला के नगर परिषद, नगर परिषद या नगर पंचायत का जो है, इसको नगर परिषद भी बोलते हैं और नगर पंचायत भी बोलते हैं, तो इनका जो कार्यकाल है वो चुनाव की डेट के बाद से 5 साल तक होता है, मतलब कार्यकाल जहां से स्टार्ट होगा। अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग 265 नगर पंचायत मध्य प्रदेश में है। कितनी है नगर पंचायत? 265, याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? पार्षद का, अध्यक्ष का। अप्रत्यक्ष महिलाओं को कितना परसेंट रिजर्वेशन? 50%। कितनी वार्ड संख्या हो सकती है? 15 से 40। और कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और 265 जो है नगर पंचायत है मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। क्लियर है यहां तक बात? आ गई अच्छे समझ में? आ गई या नहीं आई? आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, उसके बाद हम अगला जो है नगर पालिका पढ़ेंगे। चलिए पढ़े आगे। अब देखते हैं हम लोग नगर पालिका, ये कहाँ बनाए जाएंगे? तो याद रखना है ये बनाए जाएंगे जहां पे 20,000 से अधिक जनसंख्या। अच्छा एक बात और, ये जो होता है ना, यहाँ पे जनसंख्या 5,000 होती है जब, तो नगर परिषद बनाए जाते हैं, नगर पंचायत बनाए जाते हैं, 5,000 उससे ज्यादा। अब यहाँ पे क्या होगा कि नगर पालिका में अगर जनसंख्या 20,000 से ज्यादा है तो नगर पालिका बना दी जाती है, ठीक है। 20,000 मतलब ऐसा नहीं कि 20,000 हो जाए तभी बना दी जाएगी और वो, ठीक है, ऐसा नहीं है। 20,000 से ऊपर भी होगी तब भी बनाया जाएगा, और लगभग 50,000 के बीच हो तो वो बना दिए जाते हैं नगर पालिका, ठीक है। ये भी शहरी क्षेत्र होते हैं, प्योर शहरी क्षेत्र। आपको पता है कि कई शहर जो है, कई डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में अभी भी नगर पालिका है ना, नगर पालिका है। क्लियर है? चलिए, तो 20,000 क्राइटेरिया कि मिनिमम 20,000 जनसंख्या होना चाहिए। यहाँ भी ध्यान रखना वार्ड जो है 15 से 40 होते हैं। यहाँ के जो वार्ड प्रमुख होते हैं उनको पार्षद ही बोलते हैं, और पार्षद का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष मतदान से होता है। जिस प्रकार से हम नगर पंचायत में चुनते हैं उसी प्रकार से इनको नगर पालिका में वोट करके जनता चुनती है। एवं जो अध्यक्ष का चुनाव है वो मैंने पहले ही बताया कि अब वो अप्रत्यक्ष हो गया, पहले ये प्रत्यक्ष हुआ करता था, लेकिन कमलनाथ सरकार के बाद ये जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यहाँ पे लागू कर दी गई है, ठीक है। तो अगर आपसे पार्षद के विषय में पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे? प्रत्यक्ष। और अगर आप अध्यक्ष के विषय में पूछा जाता तो अप्रत्यक्ष, चाहे वो नगर परिषद हो या
नगर पालिका हूँ। क्लियर है। और अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो अभी 98 नगर पालिका है। ठीक है, क्लियर है। कितने हैं? 98। यहाँ भी जो 50% है रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिया गया है, मतलब 50% सीटों पे महिलाएं चुन के आती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। किस पे? नगर पालिका में। क्लियर बात। चलिए, क्लियर है। नगर पालिका देख ले आया हूं। अगला नगर निगम, सबसे बड़े है ना, सबसे बड़े। आपको पता है 1 लाख से अधिक की जनसंख्या पर स्थापना इनकी होती है, नगर निगमों की। कई ऐसे शहर है जहां पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या लेकिन फिर भी नहीं स्थापित किया गया है, लेकिन एक क्राइटेरिया जरूर बनाया गया है कि 1 लाख से अधिक अगर शहर की जनसंख्या है तो वहां पे नगर निगम बना दिया जाता है। आपको पता है कि जैसे रीवा नगर निगम है ना, इंदौर नगर निगम है, भोपाल नगर निगम है ना, जबलपुर नगर निगम है, इस प्रकार के नगर निगम बना दिए गए बड़े शहरों में। यहाँ पे जो वार्ड संख्या होती है वो 40 से 70 के बीच होती है। कितनी होती है वार्ड संख्या? ध्यान रखना, वहाँ पे 15-40, 15-40, यहाँ पे 40 से 70। यहाँ पे भी जो पार्षद है ना उनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, ध्यान रखना, पार्षद का तीनों जगह पे प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और यहाँ के जो प्रमुख होते हैं वो बात याद रखो, वहाँ पे अध्यक्ष होते हैं, यहाँ पे मेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेयर, या हिंदी में इनको महापौर, आपने सुना होगा महापौर बोला जाता है। तो जो महापौर होंगे वो नगर निगम के प्रमुख होंगे और इनका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष होता है। यहाँ पे जो प्रमुख है नगर निगम में उनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जबकि क्या हो रहा था नगर परिषद और नगर पालिका में? अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा था उनके अध्यक्षों का। लेकिन यहाँ पे जो मेयर है, एक प्रकार से हम ये समझ ले अभी 1 मिनट के लिए समझने के लिए कि ये अध्यक्ष ही है यहाँ पे, तो यही है मेयर जो अध्यक्ष है और महापौर, और इनका जो चुनाव है यहाँ पे, ऐसी प्रणाली नगर निगम में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, सीधे जनता चुनती है। ठीक है, ये बात क्लियर। क्लियर है यहाँ तक बात? समझ में आया नहीं? और अगर अभी वर्तमान में पूछा है कि मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है, तो 16 नगर निगम, मध्य प्रदेश में भी 16 नगर निगम है। ठीक है, दो प्रस्तावित भी हैं। ठीक है, कितना नगर निगम है अगर पूछा जाता है तो आप 16 बताएंगे। दो प्रस्तावित हैं, जैसे भिंड प्रस्तावित है, एक और कोई प्रस्तावित है, लेकिन अभी आपको अगर पूछा जाता है तो 16 नगर निगम आप बताएंगे। क्लियर बात। तो आप लोगों को नगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद समझ में आई या नहीं आई? ये नगर पंचायत,
बताइए भाई, फटाफट समझ में आया है नहीं आया? एक चीज और, हाँ थोड़ा सा डेटा अपडेट कर दीजिए। उनकी साइट पे ये जो मैंने बोला था कि 265 है नगर पंचायतें, साइट पे अभी 294 दिखा रहा है, तो इसको अपडेट कर लीजिए आप लोग थोड़ा सा। उनकी अपनी साइट पे 295 294 दिखा रहा, बहुत अच्छे से 294 है ना, नगर पंचायत या नगर परिषद। नगर पालिका 98 ही है और नगर निगम भी 16 है। ठीक है, क्लियर है या नहीं? बताइए भाई, फटाफट बताइए, अभी तक कोई सवाल आपके? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों जो त्रिस्तरीय हमने बोला था, नगर परिषद, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर पंचायत, वो बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या बताया था हमने? एक नगर पंचायत बताया था, दूसरी बात हमने की थी नगर पालिका की, और तीसरी जो बात की थी हमने नगर निगम की बात की थी। ये तीनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्या है संवैधानिक स्ट्रक्चर, वो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कोई सवाल हो, अगर कोई डाउट हो, अगर कोई सजेशन हो, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं अभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो नगरीय निकाय से संबंधित है और महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिहाज से। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आपको जो बहुत अच्छे से आता है। 243 के याद रखना है, नगरी निकाय का गठन की बात की गई, कहाँ पे? 243 क्यू पे, याद रखना है आपको। फिर आता है 243 आर, यहाँ पे जो है नगर पालिका की संरचना की बात की गई। क्या बात की गई है? नगर पालिका के संरचना की बात की गई है। ठीक है, 1 मिनट।
चलिए ठीक है, थोड़ा डिस्टरबेंस था किसी कारण से, आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो अनुच्छेद देख लिए हैं, एक तो 243 क्यों, जहां पे गठन की बात कही गई है, 243 आर, एक नगर पालिका की संरचना की बात की गई, 243 एस वार्ड समिति की बात की गई, वार्ड समिति के गठन की बात की गई है। ठीक है, क्लियर है, 243 एस वार्ड समिति के गठन, ऐसे याद रखना है, अगर नगरीय निकाय के गठन की बात हो 243, फिर उसकी संरचना, फिर वार्ड समिति, फिर 243 टी। यहाँ पे ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, रिजर्वेशन की बात कहाँ की गई, तो 243, वो भी नगरीय निकायों के लिए। ठीक है, 243 यू कार्यकाल, कितना कार्यकाल होगा, 5 वर्ष, ये आपको पता है। ठीक है, 243 यू कार्यकाल की बात की गई है। फिर उसके बाद क्या बात की गई है, 243 डब्ल्यू, यहाँ पे शक्तियों पावर एवं अथॉरिटी की बात की गई है, प्राधिकार की बात की गई है। चलिए 243 ZA, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव की बात की गई, और ये पूछा गया है 2019 में, 243 ZD जिला आयोजन समिति, 2018 या 2019 के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है वो यही वाला पूछा गया है, जिला आयोजन समिति किस आर्टिकल में है, 243 ZD। ठीक है, याद रहेंगे आप लोगों को, याद रहना चाहिए ये सारे आर्टिकल से, लगातार 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं प्रीलिम्स में, और जब भी नगरीय निकाय या स्थानीय प्रशासन से पूछा जा रहा है, वो लगातार आर्टिकल से उनका जो है बहुत ज्यादा मोह है, तो आपको आर्टिकल सारे के सारे नगरीय निकायों के भी याद रखने हैं, और साथ ही साथ 243 से लेके ओ तक भी याद रखना है, जो भी महत्वपूर्ण हमने कल बताए थे आपको। क्लियर है ये बात, ठीक है, याद रहेंगे सारे आर्टिकल, आपको याद रखना। अब नगरी जो प्रशासन है ना, नगरी निकाय, उनके कुछ काम, बेसिक काम मैंने बताया था कि 18 जो है इनको फंक्शन बताया गया, 18 विषय पे इनको काम करना है, नगर सॉरी ग्राम पंचायत के कितने विषय हैं, इनके लिए 29 विषय हैं, तो जो 18 विषय हैं, मतलब जहाँ पे काम करना है उसके संबंध में समझते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना बना, महत्वपूर्ण देखेंगे सारे के सारे, अपन को नहीं देखना है। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की जो योजना है वो जो है नगरीय प्रशासन से, मतलब नगरीय जो निकाय है वो काम करेगी। इसके अलावा सड़क पुलों का निर्माण एवं मरम्मत करने का काम कौन करेगा, नगरीय निकाय करेंगे या नगर पंचायत, नगर परिषद, ये सारे करेंगे। अग्निशमन सेवा से मतलब है जैसे आग वाग कहीं लग गई उसको बुझाने उझाने का काम जो है वो कौन करेगा, वो लोकल गवर्नमेंट में नगरीय निकायों का है। गंदी बस्तियों में सुधार आदि काम करना नगरीय प्रशासन से संबंधित काम, जन्म मृत्यु विवाह का पंजीकरण रद्दीकरण ये सारे जो काम है वो कौन करेगा, नगरीय निकाय करेंगे। नगरी निर्धनता में कमी करना किसकी जिम्मेदारी है, नगरी निकायों की जिम्मेदारी है। चल, नगरी निकाय आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आप लोगों को अच्छे से बताइए, फटाफट बताइए।
आ गई बात समझ में। हमने दो चीजें अच्छे से पढ़ ली, एक हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया पंचायती राज का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, इसके अलावा नगरी निकायों का सिस्टम कैसे काम करता है। यहाँ पे कोई भी डाउट, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ ले। अब हम देखेंगे पंचायती राज से संबंधित अन्य जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो हमने कहीं पे कोई चीज ऐसी होगी जो मिस किया होगा, उसको हम देख रहे हैं। सबसे पहले ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा उपस्थित मतदाताओं में से, ठीक है, बनाई जाती है। यानी कि ग्राम सभा है क्या, तो समझ लेना कि गांव में जितने भी मतदाता हैं 18 वर्ष से उम्र के लोग, 18 वर्ष से 18 वर्ष से अधिक के लोग, वो सब को मिला के ग्राम सभा बनाई जाती है, उनको ग्राम सभा बोला जाता है। क्लियर रहेगा। चलो, मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की जो बैठक है ना, उसका कोरम है 1/5, है ना, 1/5 जो कोरम है, मतलब है कि जब भी उनकी बैठक होगी तो जरूरी है कि 1/5 सदस्य हो, ठीक है, मतलब एक का जो है पांचवा हिस्सा हो। यानी 100 लोग हो तो उसमें ये जरूरी है कि 20 लोग आए हों और वो बैठक में शामिल हो, तभी बैठक हो पाएगी। अगर 15 लोग हो गए तो बैठक नहीं हो पाएगी, रद्द करना पड़ेगा। तो जो कोरम है वो कितना है, 1/5 ग्राम सभा की बैठक के लिए। आपको पता है ग्राम सभा की बैठकें होती हैं, ठीक है, वो बात है। चलो, ग्राम सभा की जो बैठक है ना, ध्यान रखना आपको, प्रत्येक महीने में एक बार होना आवश्यक है। कितनी बार, एक बार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम सभा के महीने में कितनी बार बैठक होती है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ग्राम सभा के प्रत्येक महीने में एक बैठक होना आवश्यक है। ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन आपको एक बैठक तो करना जरूरी रहेगा, ठीक है। क्लियर है ये बात यहां तक। क्लियर है या कोई डाउट? आगे बढ़े। 26 जनवरी 2001, ध्यान रखना, 26 जनवरी 2001 से संपूर्ण प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू की गई है, ठीक है। कौन सी व्यवस्था, ग्राम स्वराज, 26 जनवरी 2001 से। छब्बीस जनवरी 2001 से संपूर्ण प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू है। यानी कि मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था कब से लागू की गई है, तो 26 जनवरी 2001। याद रहेगा आपको, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, आप अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए। 26 जनवरी 2001 से पूछा जा सकता है कि ग्राम स्वराज व्यवस्था मध्य प्रदेश में कब से लागू हुई, 26 जनवरी, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसी दिन, और 2001 ईयर याद रखना है। एक और बात, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बने हैं, पूछे गए हैं, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास, है ना, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश राज्य जब ग्रामीण विकास की बात हो और ऐसे संस्थान की बात हो, ध्यान रखना है आपको, कहां पे है वो, जबलपुर में। इसकी स्थापना कब हुई है, 1964 में, ठीक है। क्लियर है ये बात। क्लियर है या नहीं क्लियर? ठीक है, तो ग्राम स्वराज व्यवस्था से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप बताएंगे क्या, 26 जनवरी 2001, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान अगर कहाँ है, तो जबलपुर में। कब स्थापना हुई है उसकी, अगर ये पूछा जाता है तो आप आंसर टिक करेंगे, जबलपुर में 1964 में, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, सॉरी, ऐसे क्वेश्चन जो है वो 3 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि मेंस में भी आपसे सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, और कुछ नहीं होगा तो वो मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास संस्थान रख देगा और आपसे पूछेगा। तो हाँ, आपको टिक आंसर लिखना पड़ेगा कि भाई ये ग्रामीण विकास से संबंधित संस्थान है, जबलपुर में है स्थान, और इसकी स्थापना हुई 1964 में। ऐसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं 3 मार्कर, तो मेंस के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा, ये बात अच्छे से याद रखनी है आपको।
ठीक है, याद रहेगा ये सारी बातें। चलो उम्मीद करता हूँ। और एक बात देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है पंच परमेश्वर योजना, ध्यान रखना है यहाँ पे, पंच परमेश्वर योजना कब लागू की गई है या कब बनाई गई, तो 9 जनवरी 2012 को। कौन सी योजना? पंच परमेश्वर योजना, याद रखना है यहाँ पे। पंच परमेश्वर योजना कब की है? 9 जनवरी 2012 की, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखना, ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण। क्या है उद्देश्य पंच परमेश्वर योजना का? ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण। कब बनाई गई ये योजना? 9 जनवरी 2012 को। ठीक है, क्लियर है ये बात यहां तक? याद रहेगा आप लोगों को। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बहुत पूछा गया है और बड़ा फेवरेट है मध्य प्रदेश पीएससी का, है ना। कुछ क्वेश्चनों से या कुछ सेक्शन से उसको बहुत मोह रहता है, वहां से क्वेश्चन पूछता है। जिला योजना समिति से 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है, शायद 2017-18 के, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा हुआ है उसमें 2017 या 18 के पेपर में जिला योजना समिति से क्वेश्चन आया है ना, और शायद उसकी स्थापना डेट ही पूछी गई है। तो ध्यान रखना, जिला योजना जो समिति है, अधिनियम आया था वो 1995 में, कब? 19 मई, 19 मई 1995 को पारित किया गया था। और ये जो जिला योजना समिति है बनाई भी गई थी 1995 में, जिला योजना समिति, है ना, याद रखना है आपको। चलिए इसके विषय में क्या है जिला योजना समिति? एक तो याद रखना एक्ट के माध्यम से, एक्ट कब का है वो? 1995 का, 19 मई। इसके अलावा अगर पूछा जाता तो ये भी पूछा जा सकता है, जिले का जो प्रभारी मंत्री होता है, प्रभारी मंत्री बनाए जाते हैं सभी जिलों के अलग अलग, तो जिले का जो प्रभारी मंत्री होता है ना, उस समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, जिले का जो प्रभारी मंत्री है वो समिति का अध्यक्ष। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में, कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षों से क्वेश्चन पूछ लेता है, और कई बार ऐसे पूछे गए, कई बार पदेन अध्यक्ष के विषय में भी बात की गई है, पूछी गई है। तो बहुत अच्छे से याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए जिला योजना समिति का जो है अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है कि जिले का प्रभारी मंत्री होता है वही जिले का जो है जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है। क्लियर रहेगा? ठीक है, यहां तक बात? क्लियर है यहां तक बात? बढ़े आगे, जिला योजना समिति प्रभारी मंत्री समिति का अध्यक्ष, याद रहेगा? उम्मीद है आप लोगों को याद रहेगी ये बात, बहुत अच्छे से याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर जिले के, उनको इसका पदेन सदस्य बनाया जाता है, जो कलेक्टर है इनको पदेन सदस्य बनाया जाता है। तो ये रही बात जिला योजना समिति की। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक था नगरी निकाय या नगर पंचायत, या हम कहें कि पूरा का पूरा नगरी प्रशासन पंचायती राज, वो पूरा का पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि त्रिस्तरीय व्यवस्था, चाहे नगरी स्वशासन से हो या ग्रामीण प्रशासन से हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है थोड़ी सी कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है मेंस 2019 की, सॉरी मेंस 2021 की। आप उसे पीएससी अड्डा एप्लीकेशन पे जाके परचेस कर सकते हैं, 75% डिस्काउंट है अभी, 2499 में आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स
2022 के लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, और लगभग हम बहुत नॉमिनल रेट पे 250 249 पे आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज के संबंध में है। आज की क्लास कैसी लगी है आपको जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को जितनी लिंक है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो क्लास संबंधी नोटिफिकेशन है वो आप